दोस्तों अगर आप लोग भी नए क्रिएटर है, अगर आप लोग नया चैनल बनाए हैं यूट्यूब पर, तो सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। दोस्तों आपको हम बताएंगे कि कैसे आप लोग सही तरीका से आप अपने वीडियो को यूट्यूब चैनल पर डालने के बाद आपका व्यू दोस्तों हमेशा वीडियो पर आएगा। दोस्तों बहुत सारे नए क्रिएटर क्या करते हैं कि नया चैनल बनाते हैं, उनको वीडियो अपलोड करने का तरीका पता नहीं होता है और बहुत सारे गलती करके दोस्तों आप अपने चैनल पर मतलब की व्यू डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको सही तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पर मतलब वीडियो को अपलोड किया जाता है। सभी को दोस्तों पता है कि YouTube चैनल पर प्लस का टिप पर उसमें वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में सही तरीका बताएंगे कि कैसे आप लोगों को टाइटल लिखना है, कैसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मतलब कि हैशटैग लगाना है, टाइटल उसको भी सही तरीका से बैठाना है, कैसे वीडियो को लिंक डालना है, कैसे दूसरे यूट्यूब वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक लगाना है, वो सभी तरीका बताएंगे दोस्तों। कहाँ से बारे सभी अप्लाई लगातार अपने वीडियो पर कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 महीना काम करते हैं तो आपका वीडियो पर हमेशा व्यू आते रहेगा। 1 से 2 वीडियो इसमें से जरूर होगा कि आपका वीडियो वायरल होगा। तो चलिए दोस्तों बताएंगे सही तरीका किस तरह से काम किया जाता है, क्योंकि दोस्तों मेरा एक और चैनल है AR ऑल क्रिकेट, जिस पर हम क्रिकेट के वीडियो डालते हैं, आप लोग यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और ये जो मेरा चैनल है, ये एक नया चैनल है, इस पर भी दोस्तों जाकर और आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है, किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने का 2 तरीका आ गया है, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को पहले से ही पता है और हमको भी पता है, और YT स्टूडियो से भी करने का तरीका आ गया है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलते हैं और अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, AR ऑल क्रिकेट पर दोस्तों डालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों ये नया चैनल है जिस पर आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आना है, आपको प्लस पर क्लिक करना है, आप लोग रुके रहिएगा, प्लस पर क्लिक कर दिए, नहीं कि दोस्तों आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग एक कोई भी लॉन्ग वीडियो ले लेना है। देखिए दोस्तों ये मेरा क्रिकेट के लिए अभी बना कर रखे हुए हैं, अपलोड भी कर दिए AR ऑल क्रिकेट पर, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस वीडियो को ले लेते हैं और किस तरह से अपलोड किया जाता है आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ इसको ले लिए, ठीक है। यहीं पर दोस्तों बहुत सारे दोस्त क्या होते हैं जो गलती कर देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वीडियो को हमने प्राइवेट कर दिया है, अनलिस्टेड भी चलेगा, लेकिन दोस्तों यहीं पर क्या गलती है कि पब्लिक कर देते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर पब्लिक नहीं करना है, अनलिस्टेड या प्राइवेट ही रहने देना है, तभी दोस्तों आप लोगों को अपलोड करना है। यहाँ से आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, बस यहाँ से आप लोगों को अपलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यहाँ से कर देते हैं अपलोड, ठीक है। तो दोस्तों वो वीडियो अपलोड होने लगा है, अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि वीडियो अपलोड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से खींच दिए है, और देखिए दोस्तों ये वीडियो मेरा अपलोड होने लगा है, MB का स्पीड दे रहा है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं दोस्तों, आपको YT स्टूडियो में चलना है, ठीक है। यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों क्लिक करना है इस पर, यहाँ पर देख रहे हैं कंटेंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, शांति सर कुछ छेड़खानी नहीं करना है, क्या करना है सही बताएंगे, उसी तरीके से आप लोगों को लगातार मतलब कि अपलोड करना होगा कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 महीने, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आना है, फिर आप लोगों को ये यहाँ पर देख रहे हैं पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों कॉपीराइट कैसे आता है ये भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक ये चेक इन करेगा यूट्यूब कि आपका वीडियो सही कंटेंट है कि नहीं, या किसी और का रख दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर किसी और का हुआ तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं MB का स्पीड दे रहा है, और अपलोड होने में भी ज़्यादा समय नहीं हो जाएगा, देखें। तो यहाँ पर इसको दोस्तों हम कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट है, अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखना है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, उससे पहले दोस्तों बता देते हैं, ठीक है, पेंसिल पर जाते हैं, पेंसिल पर जाने के बाद यहाँ से हम लेते हैं थंबनेल, ठीक है, जो भी मतलब कि कैटेगरी पर बनाए हैं उस पर हम लेते हैं, जैसे RCB के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हमने RCB का बनाकर रख लिए हैं, IPL 2025 का बेंगलोर 5 टारगेट बॉलर, ठीक है। तो यहाँ से कर देना है डन, ये दोस्तों लग गया है थंबनेल, थंबनेल हम बना के रखे हुए इसीलिए। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे गलती कर देते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। दोस्तों जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसी कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, फालतू चीज लिखने से क्या फायदा है। थंबनेल में अगर कुछ फालतू दे देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों टाइटल जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर आप लोग सही सही लिखिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कीजिएगा वहाँ से दोस्तों यूट्यूब क्या करता है चेक करने के बाद रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि दोस्तों टाइटल उनको सही तरीका से डालने नहीं आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हम सही तरीका से बताएंगे, और एक जैसा मतलब कि टाइटल आप सब वीडियो में नहीं दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखना है RCB के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, RCB के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं बड़ा और लिख लेते हैं IPL 2025, ठीक है, यहाँ से बड़ा कर देते हैं और अंक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लिख दिए, ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं RCB टारगेट प्लेयर, ठीक है,
रिटर्न भी लिख सकते हैं या टारगेट भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं टारगेट, टारगेट लिख दी है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गैप देना है, और गैप देने के बाद यहाँ पर आपको आना है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा दे देने से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। ऑफिशियली आगे बढ़ते फिर लिखेंगे IPL, RCB लिखेंगे, और जो भी खिलाड़ी का नाम देना है यहाँ पर वो भी देना है। रिटर्न अगर कर रहे हैं खिलाड़ी को तो वहाँ पर रिटर्न करके लिख देना है, मतलब जो भी जिसके बारे में जो भी बताए हैं उसके बारे में यहाँ सही सही लिख देना है, ठीक है। जो भी मतलब खिलाड़ी खेलेंगे, तो विराट कोहली खेलते हैं आपको पता है RCB में, उनका भी लिख देना है। और यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए यहाँ पर इसको दे देना है, और जो भी खिलाड़ी जितने भी खेलते हैं सभी के बारे में यहाँ पर लिख देना है। और अपने चैनल को अंतिम में जो भी आपका चैनल का नाम है, जिस कैटेगरी में आप काम करते हैं उसमें अगर आपका चैनल का नाम है तो यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ पर क्लिक करना है, हैंडल दे देना है। नया नया अगर आपका चैनल है तो हैंडल हर एक वीडियो में दीजिएगा, ताकि आपका वीडियो सर्च में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। 10 से 12 वीडियो अगर नया चैनल पर डालते हैं तो आपका चैनल भी सर्च में आएगा और वीडियो भी आपका सर्च में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो चैनल है ERO क्रिकेट, ठीक है, उसी का चैनल का ये वीडियो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये चैनल मेरा आ गया है ERO क्रिकेट, जो अभी आप लोग देखे हैं 7000-8000 सब्सक्राइब है। यहाँ पर भी जाकर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपको इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ से बैक करना है, और बैक करने के बाद दोस्तों अभी एक नया आया है यहाँ पर अल्टरनेट कंटेंट। यहाँ पर दोस्तों AI का अगर यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है यस, ठीक है। अगर AI यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है नो पर क्लिक करना है, ठीक है। ये AI के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, नया फ्यूचर है यूट्यूब के लिए, ठीक है, जो भी मतलब देते हैं उसके लिए। तो दोस्तों ये लिखा गया टाइटल, और टाइटल जितना कम रखिएगा उतना ही आप लोगों को फायदा, ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए 100 देते हैं तो वहाँ पर कम से कम 90 तक का लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कॉपी हो गया है, और यहाँ से दोस्तों आपको फिर से एक बार कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है, सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है अभी दोस्तों, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो को तुरंत मतलब कि अपलोड किया जाए, तो आपको जाना है कहाँ पर, गूगल पर, ठीक है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है दोस्तों रैपिड टैग, मतलब कि आपका जो वीडियो मतलब कि 12 जिस कैटेगरी में आपका वीडियो है उसका टैग्स चाहिए, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालना है ताकि आपका वीडियो सर्च में आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखना है रैपिड, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह से मतलब कि आएगा रैपिड टैक्स करके, मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों की तरह इस तरह से रैपिड टैग करके आएगा, यूट्यूब भी लिखा हुआ है, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये खुल गया है, और यहाँ पर ये है, इस पर क्लिक करना है। फिर से क्लिक करने के बाद जो भी मतलब कि आप वहाँ से कॉपी किए हैं उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मारना है सर्च, ठीक है। सर्च करने के बाद ये देख सकते हैं जो भी आपने लिखे हैं मतलब कि टाइटल में वह सभी दे दिया है, ठीक है। और भी बारह तरीका बताएंगे किस तरह से यूट्यूब जनरेटर, यह दोस्तों फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है यूट्यूब टैग जनरेटर, यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से करते हैं बैक, इसको कैसे लेना है बाद में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से बैक करने के बाद दोस्तों अपने YTO स्टूडियो को फिर से यहाँ पर खोलते हैं, ठीक है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं बैक, सबसे पहले दोस्तों बता दें, मान लीजिए कि आपका कोई और वीडियो को इसमें मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मान लीजिए हमको ये वीडियो को देना है SSB जायसवाल के बारे में, तो यहाँ से आपको 3 डॉट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको शेयर पर टिपना है। शेयर पर टिपने क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कॉपी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपका लिंक ये वीडियो का हो गया है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों जो भी वीडियो अभी अपलोड किए हैं वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आना है, फिर से आपको पेंसिल पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे नेटवर्क चलेगा यहाँ पर फास्ट काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वह आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर करना है डिस्क्रिप्शन में आना है, और यहाँ से 1-2-3 लाइन पीछे करना है, और यहाँ से इसको टैप कर देना है। टैप करने के बाद देख सकते हैं जो भी वीडियो का आपने लगा दिए है, और यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, यहाँ से आपको इसी तरह से यहाँ पर बेहतरीन कर देना है, जो अच्छा लगे आपको देखने में, और जो भी खोलेंगे आपका यूट्यूब चैनल उसको भी बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं 1-2 लाइन नीचे करके, यहाँ से आप लोग वहाँ जाइए बैक, और बैक आने के बाद दोस्तों
आप टेलीग्राम का भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से मतलब टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से शेयर कीजिएगा, फिर पेंसिल पर जाकर क्लिक करना है, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपलोड करना है। अब चलिए दोस्तों, वहाँ से लेना है कौन सा चीज़, यहाँ जो हमने अभी वीडियो को रैपिड टैग में लिए हैं यहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं कॉपी, ठीक है। यह कॉपी हो गया है। कॉपी करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है और पेंसिल पर क्लिक करना है, फिर से वीडियो को डिस्क्रिप्शन मतलब खोलना है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे गैप देना है, ठीक है। गैप मतलब कि देख करके, क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक यहीं पर आप लोग लगा सकते हैं और वीडियो का भी लिंक लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम कोई भी जितना भी आपका सोशल मीडिया का मतलब कि लिंक होगा ये सब लाइन से नीचे नीचे लगा सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप काम करते हैं। अभी दोस्तों, अभी जो हम लिए टैग यहाँ पर इसको पूरे को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं कि कोई और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से कॉमा जितने भी है इसमें सभी कॉमा को हटा देना है, ठीक है। जितने भी कॉमा है आप लोगों को फुल्ली यहाँ से दोस्तों साफ सुथरा कर देना है। और बीच बीच में दोस्तों आपका यहाँ पर आप अपना चैनल का भी नाम दे सकते हैं, ताकि आपका भी जब आपका वीडियो जब वायरल होगा तो यहाँ से आपका भी कोई कॉपी दूसरा नहीं करेगा, करेगा तो आपका भी चैनल उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों ये सभी हो गया है। और यहाँ से फिर आपको कुछ नहीं करना है, जितना तरह मतलब ये है यहाँ से आपको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको बैक का बैक जाना है। और बैक जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे देखिए टैग में आ गया है। और टैग में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। लाइन से आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, इसको ऐसा कर देना है ताकि इस तरह से सेव हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों कुछ नहीं करना है, लगातार मतलब कि यहाँ से आना है 10-12 को, यहाँ से टैग ले लेकर आपको जाकर इसी में आकर कम से कम 10 को ऊपर से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको वीडियो को मतलब कि लाना पड़ेगा। मान लीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो उसी में रहने दीजिएगा। और स्पोर्ट में तो स्पोर्ट में, कॉमेडी में तो कॉमेडी में, एजुकेशन में है तो एजुकेशन में। दोस्तों अभी हम डाल रहे हैं स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट पर डाल दिए, ठीक है। और अपना लाइक वीडियो को चाहते हैं शो करने के लिए तो यहाँ से टिक हटा सकते हैं, यहाँ से भी ऑन कर दे। कमेंट भी चाहते हैं तो आप लोग बंद भी कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑन ही रहने देते हैं और इस तरह से मतलब कि इसको बैक कर देना है। कम से कम दोस्तों यहाँ से 10 से 12 यहाँ पर देख रहे टैग यहाँ पर आप लोगों को देना है, ठीक है। ये नहीं कि छोड़ नहीं देना है, सभी वीडियो में देना है। और बैक चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अगर आपका वीडियो आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट में डालना है तो यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट बनाकर आप लोग डन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं मैं चीज। अब आपका दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेव करना है। और सेव करने के बाद आपको हम बताते हैं, देखिए दोस्तों अभी आपका वीडियो यूट्यूब चेक कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों अगर वीडियो यहाँ पर चेक हो जाएगा यूट्यूब की तरफ से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नॉन, यानी कि कॉपीराइट नहीं आया है, आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यही बात तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि अगर आपका प्राइवेट वीडियो और कोई भी कॉपीराइट अगर लेते हैं तो प्राइवेट में ही आपका कॉपीराइट स्ट्राइक चला जाता है। मान लीजिए दूसरा कंटेंट अगर लिए हैं तो प्राइवेट में ही आपका कॉपीराइट मतलब स्ट्राइक चला जाता है। तो इससे आप लोग देखकर गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग मतलब कि सही तरीका से अपलोड कीजिए, किसी और का कंटेंट नहीं लीजिएगा, जो भी कीजिए सही कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी चेक कर रहा है, तो ये दोस्तों अभी मेरा ये ओरिजिनल कंटेंट है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे आप लोगों को पब्लिक करना है, कैसे यहाँ पर मतलब टैग करना है। दोस्तों एक और चीज बच गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर रोज अगर कहीं आप लोग मान लें कि जा रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक लगाइए। टिक लगाने का दोस्तों यहाँ पर आप लोग शेड्यूल लगा सकते हैं। मान लीजिए आप 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, 2 दिन के पहले वीडियो आप लोग बना लीजिए और यहाँ पर दोस्तों आप लोग टाइमिंग और डेट अपलोड करके सेटिंग में जाकर पूरा चीज कर सकते हैं और आपका उसी टाइम उसी दिन में आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमको ये नहीं करना है, अभी पब्लिक पर ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ से करना है बैक। बैक पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को हर वीडियो में नीचे आकर कम से कम वायरल जो टैग होगा जिस कैटेगरी में काम करते हैं वहाँ पर दोस्तों आपको हैशटैग जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट का काम करते हैं यहाँ पर आना है, हैशटैग क्लिक करना है और आपको सी लिख क्रिकेट के बारे में क्रिकेट का हैशटैग मारिए तो यहाँ पर क्रिकेट आ जाएगा, ठीक है। फिर से नीचे आना है, फिर से हैशटैग लगाना है, 10 से 12 जो भी कैटेगरी में आप काम करते हैं यहाँ पर क्लिक करके दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर देने के बाद आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये पब्लिक हो गया है और इसको हम चाहेंगे तभी पब्लिक कर सकते हैं और पब्लिक भी करके आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक है। और यहाँ से कर सकते हैं। अभी दोस्तों अभी चेक कर रहा है यूट्यूब कि ये मतलब कि कॉपीराइट कंटेंट है या नहीं, ठीक है। देखिए अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी तुरंत आप लोगों के सामने छूट चुका है। दोस्तों आप लोग ये तरीका से आप लोग वीडियो अपलोड अपने यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों
टाइटल टैग और मतलब कि वीडियो का लिंक और टेलीग्राम का लिंक जो भी होता है सभी वीडियो में कम से कम लगातार लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दोस्तों इसको करते हैं बैक, ठीक है। बैक करने से पर दिखा देते हैं मेरा एक और चैनल है जो भी है, अभी आपको हम दिखा देते हैं कौन सा मेरा चैनल है। यहाँ से आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों मेरा 3-4 को चैनल है काम करते जिस पर। तो ये दोस्तों देखिए मेरा ये क्रिकेट का चैनल है, ठीक है। आप लोग देख नेट खोलने दीजिए चलेगा। देखिए ये मेरा क्रिकेट का है जिस पर अभी 7,000 सब्सक्राइब हो चुका है। और ये चैनल दोस्तों मेरा मोनेटाइज होने वाला है, वो भी पर वीडियो जरूर बनाएंगे जब ये चैनल मेरा मोनेटाइज होगा तब। 3,000 वॉच टाइम पूर गया है, 3,500 के बीच में है, 4,000 पूरेगा और इस पर मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको करते हैं रोक और बैक करेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से हर वीडियो में अगर काम करते हैं तो आपका वीडियो दोस्तों अगर 30 दिन डाल देते हैं एक महीना के अंदर 30 गो वीडियो, तो आपका उसमें से 2 से 3 वीडियो पर अच्छे खासे व्यू आएंगे। और दोस्तों ये सभी काम जो है ना शुरुआती में आपको करना है, जब आपका वीडियो चलने लगेगा तो इतना मतलब ताम झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े क्रिएटर जो होते हैं शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, जैसे ही दोस्तों मतलब कि उनका वीडियो चलने लगता है तो ये सब मतलब उतना लंदफन कोई टैग कोई डिस्क्रिप्शन उतना मतलब कि ध्यान नहीं देते, बस वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो को टेलीग्राम का लिंक ये सब डालते हैं और अपलोड कर देते हैं। शुरुआती में दोस्तों आपको मेहनत कीजिएगा तभी कोई उपाय होगा। अगर सोचते हैं कि वीडियो को एडिट कर दिए, वीडियो बना लिए और छोड़ दिए, ऐसा दोस्तों मतलब कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको हर वीडियो में ये सभी जब तक आपका 1,000 सब्सक्राइब पूरा नहीं हो जाता है तब तक मतलब आपको ये करना ही पड़ेगा, और वीडियो जब तक चलता नहीं तब तक ये सभी करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर क्रिकेट से रिलेटेड आपको नो कॉपीराइट फोटो हाईलाइट वीडियो और कुछ भी अगर मतलब न्यूज कुछ भी चाहिए तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं या कमेंट कीजिएगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। और वीडियो से रिलेटेड और भी कुछ चाहिए तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है वहां से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ये मेरा एक नया चैनल है यार और क्रिएटर, अगर दोस्तों मेरा अगर कंटेंट आप लोग पसंद आया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।